कि अगर आपको इतनी ही सहानुभूति है हम लोग के प्रति, तो आप हम सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों को सम्मान करते हुए और स्कूल में हम लोग को भेजने का आप ये ऑर्डर कीजिए, आदेश निकालिए। जब तक हम लोग रोड पर नहीं उतरेंगे लाठी डंडे नहीं खाएंगे। पहले लाठी मारती है उसके बाद नौकरी के देती है, ये तो पहले से ये चला रहा है। हम लोग भी लाठी खाए हैं उपहार में, तो हम यही उम्मीद किए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दे, हाथ फैला करके उनके सामने करे थे। कहते हैं कि शिक्षा विभाग का शिक्षक नियुक्ति के प्रति उदासीनता है कि धांधली होगी, उसके बाद अभ्यर्थी तो सजग है इस बार, तो अभ्यर्थी हंगामा करेंगे, उसके बाद वो रद्द करेंगे, फिर उसको अगले चरण में डालेंगे। सब कहता है, मैसेज करता है, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं उन अचयनित अभ्यर्थियों के तरफ से गुहार लगा रही हूँ कि माननीय मंत्री जी आप उन अभ्यर्थियों के लिए भी सोचिए जिनका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 50,000 से अधिक सीटें रिक्त है। शिक्षक को अगर वो अंडा और बोरा बेचने से अगर मुक्ति दिलवा देंगे तब तो शिक्षक पर आएगा ना। पिछले दरवाजे से बहुत तरह के उपाय है। हम तो कहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, डिप्टी डायरेक्टर सब लोग सामने बैठे और हम लोग से सवाल पूछे, हम एक एक जवाब देंगे और हम बता देंगे कि कहां पर फॉल्ट हुआ है और रिक्तियां क्यों बच गई है। नहीं, युवा अफसोस नहीं करेंगे। अगर हम अपने अधिकार अपने हक के लिए जागरूक हैं तो हमें कोई नहीं ठग सकता है। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी का मामला जो है पिछले कई सालों से लटका हुआ है। हालांकि अब जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई जगह पर काउंसलिंग में धांधली की खबरें आई है और यहां तक कि जो इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई है उनकी नियुक्ति पत्र उनको नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर जो है आज शिक्षक अभ्यर्थी जो है महिला शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया, उनको राखी बांधी और राखी के बदले में उपहार जो उन्होंने मांगा है, उन्होंने ये मांगा है कि हमको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अभी हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात किया है, क्या कुछ मुद्दा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या हुआ, आपने शिक्षा मंत्री से आज मुलाकात किया है नियुक्ति पत्र को लेकर, काउंसलिंग को लेकर क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने? शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट कहना ये है कि हम आप लोगों के लिए काफ़ी सजग हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बात उन्होंने कहने लगा कि ये जो हम लोगों ने केस को किस तरह से टैकल करके यहाँ तक लाए हैं और काउंसलिंग भी करा दिया, बहाली तो हम लोग नेक्स्ट ईयर भी करने वाले थे, लेकिन हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। और उनके बात से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी सजग हैं, लेकिन अभी हम लोग जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती है, तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट नहीं आ जाता है और जो सीट रिक्त रह गए हैं उन सारे रिक्तियों को भरा नहीं जाता है, तब तक हम अभी कैसे कहें। लेकिन उनकी बातों से ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए चिंतित हैं और हम बहुत ही आशा रखे हुए हैं उनसे, बहुत ही आशा और उम्मीद रखे हुए हम सभी अभ्यर्थी कि हमारी समस्याओं को समझेंगे और जल्द से जल्द हमें तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट और नियुक्ति पत्र भी देंगे। आपने अभी ये कहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शिक्षा मंत्री हम लोगों के लिए सजग है, तो फिर क्यों, क्या जरूरत है सर को वो उतरने की, क्या जरूरत है आपको उनसे मुलाकात करके ऐसे करने की, फिर तो घर बैठे रहिए, विश्वास करिए शिक्षा मंत्री पर। देखिए, ये तो सरकार के शुरू से नीति रही है कि जब तक हम लोग रोड पर नहीं उतरेंगे लाठी डंडे नहीं खाएंगे। पहले लाठी मारती है उसके बाद नौकरी के देती है, ये तो पहले से ये चला रहा है। हम लोग भी लाठी खाए हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो यहाँ का सिस्टम है उसका तो हम लोग उसका तो पालन कर रहे हैं, उसका अनुभाजन भी हम लोग सह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो काउंसलिंग हो रही है, अभी तक काउंसलिंग हुई है और इसमें जो प्रथम द्वितीय चरण की हुई है, तो उसमें जो नियुक्ति पत्र जो देने की बात हुई NIC पर अपलोड कर दिया गया, उनको दे सकते हैं। तीसरे चरण की जो काउंसलिंग के जो डेट है, ताकि देखिए बहुत से हमारे अभ्यर्थी भाई हैं जिनका चयन अभी नहीं हुआ है, अभी 44-45 हज़ार सीट खाली है। सरकार आंकड़ा नहीं बता रही है, लेकिन हम लोगों का पता है कि 44-45 हज़ार सीट खाली है। अगर 44-45 हज़ार सीट पर अगर हो जाएगा तो सभी निम्न मेगा अंक वाला हमारे भाई बहन का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान दे, उसके लिए आज हम लोग रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारी जो बहनें वहाँ गई थी और जाकर के राखी बांध करके उनसे उपहार के रूप में हम अपनी मांग को रखा। कहीं ना कहीं काउंसलिंग में भी धांधली की खबरें आई थी कुछ दिनों पहले, जो कई जिलों में जो है काउंसलिंग में धांधली की खबरें आई थी, तो काउंसलिंग जो हो रहा है
तो आपको लग रहा है कि सही ढंग से काउंसलिंग हो रहा है? नहीं नहीं, काउंसलिंग में तो धांधली हुई है, इसमें दो मत की बात नहीं है। माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर जो जब थे प्रथम चरण में, तो उनके रीजन में काम अच्छा हुआ है, लेकिन द्वितीय चरण में तो बिल्कुल धांधली हो रही है और ये खुलेआम हो रही है। अब ये तो कहने के लिए कह देते हैं कि पारदर्शी ढंग से हम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। और अगर इनको पारदर्शी ढंग से ही करना था तो रंजीत सर को बीच में से हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि रंजीत सर जिनको पूरी जानकारी है आप उनको हटा रही है। अब नए बने हैं उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना नहीं करना है। तो अगर आप पारदर्शी ढंग से करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, तीसरे चरण की जो काउंसलिंग हो उसमें पारदर्शी ढंग से करें, क्योंकि धांधली हो रही है। और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री भी जान रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय भी जान रहे हैं और प्रधान सचिव भी जान रहे हैं कि धांधली हो रही है, उसको रोकना चाहिए। जो मेरिट वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको होना चाहिए, मुझे ये कहना है। कहाँ से वो लोग आ रहे हैं जिनकी नियुक्ति हो जा रही है, कहीं पिछले दरवाजे से एंट्री तो नहीं किया जा रहा है? पिछले दरवाजे से बहुत तरह के उपाय है। हम तो कहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, डिप्टी डायरेक्टर सब लोग सामने बैठे और हम लोग से सवाल पूछे, हम एक एक जवाब देंगे और हम बता देंगे कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है और रिक्तियाँ क्यों बच गई है। हम तो बोले हैं डायरेक्टर साहब को कि हम लोग को बुलाइए, मौका दीजिए और आप लोग पूछिए, हम बता देंगे कहाँ पर किस कारण से रिक्तियाँ रह गई है और कहाँ धांधली हुआ है, उसके पास प्रूफ है हम लोग के पास में। लेकिन यहाँ सुनने के लिए कौन तैयार होता है? आप जाइएगा प्रधान सचिव महोदय तक कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मिलना तक वो लोग नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री तो मिलते हैं डेरा पर, हम लोग जा करके मिलते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं हम लोगों को। अब देखिए इमोशनल ब्लैकमेल हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये सजग हैं, सजग कितना है, सजग हैं, लेकिन आज उनकी बातों से लगा है, इसके पहले भी हम लोग बात इमोशनल ब्लैकमेल समझ गए। शिक्षा मंत्री इमोशनल ब्लैकमेल तो कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बिहार का शिक्षा विभाग कब तक ऐसे इन अभ्यर्थियों को ठगता रहेगा? अजब शिक्षा विभाग का गजब कारनामा कब तक देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहन राखी तो बांध दिया है आपने मंत्री जी को, मंत्री जी से क्या उपहार मांगा है आपने? उपहार में तो हम यही उम्मीद किए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दे, हाथ फैला करके उनके सामने खड़े थे कि आप महोदय उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र दीजिए और थर्ड फेज की काउंसलिंग का डेट रिलीज कर दीजिए ताकि हम अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाए। लेकिन विभाग और मंत्री जी के बातों से आश्वस्त पूरी तरह से तो हम नहीं है, क्योंकि ये सरकार और ये विभाग और ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, ये बहुत तरह का 5 साल से हम लोग जो यातनाएं झेल रहे हैं, अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी को इतनी ही सहानुभूति होती हम लोग के प्रति तो 15 अगस्त से पहले वो बोले थे तो अपनी बातों पर कायम रहते हुए हम लोग को स्कूल में पहुंचा देते। लेकिन अभी हमको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि ये जो बोले हैं, आपके कलीग बोल रहे हैं जो शिक्षा मंत्री सजग दिखाई दे रहे हैं, सजग तो ठीक है, बात 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 कहने में और करने में बहुत फर्क होती है, तो जो वो बात बोलते हैं उसको वो करके दिखा दे, वो करके दिखा दे, क्योंकि वो बोले थे कि हम 15 अगस्त से पहले भेज देंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 15 अगस्त से पहले तो नहीं भेजे, लेकिन इस रक्षाबंधन में जो हम राखी दिए उसके उपहार स्वरूप में शिक्षकों के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण और सम्मान का दिवस होता है शिक्षक दिवस, जो 5 सितंबर को आने वाला है। तो मैं आपके चैनल से सारे अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग करती हूँ कि अगर आपको इतनी ही सहानुभूति है हम लोग के प्रति तो आप हम सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित शिक्षकों को सम्मान करते हुए और स्कूल में हम लोग को भेजने का आप ये ऑर्डर कीजिए, आदेश निकालिए, ताकि हम लोग को 5 सितंबर के दिन हम लोग सभी शिक्षक एक गौरवपूर्ण दिन और एक सम्मान का दिन जो होता है उस दिन हम लोग विद्यालय योगदान करें और हमारे जो थर्ड फेज का काउंसलिंग है सभी भाई बहन जो अचयनित है उनके लिए भी आप घोषणा करें उस दिन, उनको भी सम्मान स्वरूप उनके थर्ड फेज के काउंसलिंग का डेट घोषित करें ताकि वो भी चयनित होने के लिए जो इतने दिन से राह जोड़ रहे हैं उनका भी चयन किया जाए। अब कई मित्र होंगे ऐसे जिनका जो है नियुक्ति नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं वो भी कुछ बोलते होंगे, क्या बोलते हैं? देखिए बहुत 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 ये सी चीज हम लोग, क्योंकि हम लोग सारे पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं, तो बिहार को लीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि जितने चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका हो गया है तो ठीक है, और जो नहीं हुआ है जिनका जो 5 साल से फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। सब कहता है, मैसेज करता है सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो माननीय शिक्षा
मंत्री जी से मैं उन अचयनित अभ्यर्थियों की तरफ से गुहार लगा रही हूँ कि माननीय मंत्री जी आप उन अभ्यर्थियों के लिए भी सोचिए जिनका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 50,000 से अधिक सीटें रिक्त है, 40,000 मात्र सीटों पर हम लोग का चयन हुआ है, 50,000 से अधिक सीटें रिक्त है, तो आप थर्ड फेज की काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिए और साथ में हम लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत कीजिए, ताकि हम लोग जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो स्कूल योगदान करें और जो अचयनित अभ्यर्थी हैं उनको सीट पर काउंसलिंग कराने का मौका दें। आप तो मिल गए, विश्वास है, उम्मीद है जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा जो हो पाएगा? जहाँ तक बात विश्वास की है तो उन्होंने जो कहा उनकी बात को तो हम लोग मानने के अलावा हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये जो सरकार है वो एक है ना पूसब पीछे से जो वो बोलते हैं उस बात पे अगर कायम रहे तो हम लोगों को इतनी भीड़ जुटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो बोलते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो हम लोग उन्हें याद दिलाने का काम करते हैं। जैसे अभी उन्होंने फर्स्ट फेज की काउंसलिंग ली तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को लगा कि शायद हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन जस्ट उसके बाद एक महीने बाद सेकंड फेज की काउंसलिंग हुई, उसके बावजूद भी फर्स्ट फेज वाले को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और उस सेकंड फेज में भी बहुत जगह धांधली हुई है, बहुत सारे नियोजन रद्द किए गए हैं, तो वो जो रद्द किया हुआ जो काउंसलिंग था उसको थर्ड फेज में लेने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक थर्ड फेज की काउंसलिंग का कोई भी डेट जारी नहीं किया गया है। और हम अभ्यर्थी जब भी जहां भी पदाधिकारी से मिल रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ ये आश्वस्त किया जा रहा है कि थर्ड फेज की काउंसलिंग जल्द से जल्द ली जाएगी। अच्छा ये बताइए मैम, जो ठगी होती है जो दूसरे दरवाजे से पिछले दरवाजे से एंट्री किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप बताइए कब तक बिहार के युवाओं को ठगा जाएगा? पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर कब तक बिहार के युवा जो है अपने आप को अफसोस करते रहेंगे? नहीं, युवा अफसोस नहीं करेंगे, अगर हम अपने अधिकार अपने हक के लिए जागरूक हैं तो हमें कोई नहीं ठग सकता है। ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और सरकार कहीं ना कहीं हम लोग के आगे झुकेगी, घुटने टेकेगी, आज टेके कल टेके, टेकना तो उसे है। लेकिन ये चीज जो आपने क्वेश्चन किया कि बेरोजगार को ठगा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं, पढ़ के उसके बाद पता चलता है 5 साल बाद बहाली निकलती है, उसके बाद फिर उसमें धांधली होती है, फिर अभ्यर्थी को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर जाके कहीं न्याय मिलता है और हमें हमारी नौकरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके कहने से ये चीज़ से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर हम अभ्यर्थी, हम छात्र, हम बेरोजगार सजग हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना अधिकार जरूर मिलेगा, मिल रही है। ये देखिए शिक्षा विभाग का ये मात्र उदासीनता हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का शिक्षक नियुक्ति के प्रति उदासीनता है कि धांधली होगी उसके बाद अभ्यर्थी तो सजग हैं इस बार, तो अभ्यर्थी हंगामा करेंगे, उसके बाद वो रद्द करेंगे, फिर उसको अगले चरण में डालेंगे, फिर वही सेम स्थिति रहेगा, विभाग ध्यान नहीं देगा, फिर वहाँ पे रद्द होगा, फिर अगले चरण में जाएगा। इस तरह ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है आगे चलती रहेगी और जो शिक्षक नियोजन में ये जो अभ्यर्थी वो परेशान होते रहेंगे, तो इसमें हम यही चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं अगर उनका अपना स्टैंड क्लियर है कि हम शिक्षक नियुक्ति करना चाहते हैं तो काउंसलिंग को वो थर्ड पेज में खत्म कर दें, क्योंकि अगर वो चाह लेंगे तो एक भी जगह धांधली नहीं होगा। धांधली की शिकायत वहां पे होती है जहां पे अधिकारियों का मनमाना व्यवहार होता है, अगर वो मनमाना व्यवहार बंद करेंगे तो कहीं पे भी धांधली नहीं होगी। तो यहां पे देखा जाता है कि ये गाइडलाइन देते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं कि उस गाइडलाइन का पालन जिला में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे कभी वो विचार करते ही नहीं है। तो शिक्षा मंत्री के पास आज हमारी बहनें काफी संख्या में पहुंची थी, उनसे मांग किया गया है कि वो शिक्षक नियुक्ति को पूर्ण करें और जितने भी काउंसलिंग प्रक्रिया जो बची हुई है उस पे विभाग सजग हो, क्योंकि विभाग अभी तक सोया हुआ है। इस बात को सभी अभ्यर्थी जान चुके हैं अच्छे से, क्योंकि जो काउंसलिंग का लेटर यहाँ से निकलता है उस काउंसलिंग के लेटर का अनुपालन जिला में होता ही नहीं है, तो सबसे मुख्य कारण धांधली का यही है। तो लगता है उम्मीद है जो नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाएगा? देखिए उम्मीद पे ही आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अगर चाहते तो हम लोग जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जिनका चयन नहीं हुआ है वो अभी उनका थर्ड फेज का काउंसलिंग लग गया होता। आपको याद होगा कि पिछले जब हम लोग का 13 तारीख को जो खत्म हुआ है काउंसलिंग प्रक्रिया, उसके मात्र एक दिन का समय दिया गया था, एक दिन के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड कर दिया जाए, लेकिन आज लगभग 10 दिन हो गया है, अभी तक चयनित अभ्यर्थियों का सूची अपलोड तक नहीं हुआ है। तो ये आप समझिए कि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है, और स्कूल खुल गए हैं, विद्यालय रनिंग है, उसके बाद लगभग 3.25 लाख लगभग पोस्ट खाली हैं। मंत्री जी खुद बोलते हैं विधानसभा में कि 3.25 लाख पोस्ट खाली हैं। तो आज जिस बच्चों के कल्याण की बात करते हैं, जिस बच्चों के दम पे वो आज बोलते हैं कि हम स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, तो उस बच्चों को आज शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं, शिक्षक दे ही नहीं रहे हैं। जब शिक्षक दीजिएगा नहीं तो बच्चे क्या सिर्फ अब खिचड़ी खाने के लिए और सचिवालय, ये शिक्षा विभाग और क्या बोलते हैं स्कूल घूमने के लिए जाएंगे क्या? शिक्षक पर भी सवाल उठता रहता है कि शिक्षक क्या करते हैं, कितना पढ़ाते हैं, उन पर भी सवाल उठता रहता है लगातार। शिक्षक को अगर वो अंडा और बोरा बेचने से अगर मुक्ति दिलवा देंगे
तब तो शिक्षक पर आएगा ना। और एक तो शिक्षक कम है स्कूलों में, उनको ड्यूटी अलग लगा दिया जाता है, उनका भी चुनाव आया है, चुनाव में वो व्यस्त रहेंगे। और बाकी स्कूलों में किसी स्कूल में लगभग 3,000 से 4,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के दम पे चल रहे हैं, तो उन शिक्षकों की अगर ड्यूटी लगा दी जाएगी तो अब उस स्कूल में पढ़ाएगा कौन। हमारे जमुई जिला में एक पंचायत ऐसा है वहाँ पे कोई भी शिक्षक नहीं है, कागज पे चल रहा है स्कूल। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे दौरा हुआ है विभाग का, कागज पे चल रहा है स्कूल। आज भी 200 से ऊपर बच्चे हैं उस स्कूल में, तो बताइए कि वहाँ के बच्चों का भविष्य नर्क में मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं शिक्षा मंत्री? क्या शिक्षा मंत्री इसका जवाब देंगे? उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनका जवाब देंगे शिक्षा मंत्री? जहाँ तक धांधली की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हर सीट पे हर प्रखंड में धांधली हुआ है। हर प्रखंड का क्या सूची, अगर कहा जहाँ यहाँ पे 15 सीट आपका नियुक्ति हो गया ना? हाँ मेरा हो गया, इसलिए आपको बताओ। नहीं, मैं इस धांधली का ऐसा शिकार हूँ जिसका नियुक्ति होने के बाद भी है ना, हम DPO DO और BRP BRC को अपने ब्लॉक से लेके अपने जिला हेडक्वार्टर में आके जो सही है वो चढ़वाए, हम पहला गवाह है। कितना आपने आवाज उठाए हैं जो अभ्यर्थियों का जो नहीं हुआ है नियुक्ति, कितना आवाज उठाया आपने? मैं उस उन्हीं की आवाज को लेकर, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि आप अभ्यर्थियों में एकता नहीं है, आप अभ्यर्थियों को जब नियुक्ति हो जाता दूसरे अभ्यर्थियों का आप आवाज नहीं उठाते। अगर ऐसी कोई बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से सीतामढ़ी से आया हूँ, अगर वहाँ के नियोजन में पता कीजिए, पिछले दिनों मैं सचिवालय में अपने तरफ से 8-10 लोगों को भेजा था यहाँ पे, और उसमें जहाँ तक मुझसे जितना बना उतना मैंने योगदान दिया कि आप जाके वहाँ अपनी बातों रखें। रहा कि सर जैसे 15 सीटें होती है, मैं बता देता हूँ धांधली कहाँ होती है, ये बात आप लोग UR सीट पे महिला का काउंसलिंग करवाया जाता है, और वहाँ पे अगर BCF और या URF अगर खाली जाता है तो उस सीट को वहाँ कर दिया जाता है, और जो भी वो सीट शेष रह जाता है वहाँ पे लो मेरिट वाले लड़के को घुसा दिया जाता है। इसको बैकलॉग कहता है, ये नहीं कि ऑन कैमरा वो गलत करते हैं। तो जिनका गलत हुआ है या जिन सीट पे वो अभ्यर्थी को घुसा है उनका काउंसलिंग रद्द किया जाए, ये नहीं कि वहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका अगर 15 लोग चयनित हुए वहाँ पे 10 लोग जेन्युइन है सही है उनके बाद उनका फुटेज है उनकी अभ्यर्थी नहीं रद्द किया जाए, उस 5 लोग के ऊपर गाज गिराया जाए। और नियोजन क्या करते हैं, नियोजन क्या है कि जो भी प्रमुख लोग है या DPO DO है उनको बचाने के लिए पूरा ब्लॉक कैंसिल करते हैं, जिसमें 10 जेन्युइन 11 जेन्युइन स्टूडेंट जो सही में है उनकी उम्मीदवारी है जो रद्द कर दी जाती है। इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। शिक्षा जो होते हैं वो देश का भविष्य तय करते हैं और देश के भविष्य तय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन जब शिक्षकों के साथ ऐसा मजाक किया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर एक सवाल जरूर उठता है। मरने मासा मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।